इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आपकी वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो, और साथ में जो वर्ड कठिन है जिनको पढ़ने में समस्या आती है उसका भी उच्चारण लिख कर बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने प्रोनंसिएशन को, अपने उच्चारण को और अच्छा कर सके। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द गोल्डन स्वैन, सोने का हंस। गोल्डन का मतलब होता है सुनहला या फिर सोने का, सोने का स्वैन हंस। तो क्या हो गया इसका मतलब, सोने का हंस। द डे प्रोसीडिंग्स, दिन की कार्यवाही। डे का मतलब है दिन, प्रोसीडिंग्स इसे पढ़ेंगे प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स जिसका मतलब होता है कार्यवाही, कार्यवाही, दिन की कार्यवाही। इन द कोर्ट, दरबार में। ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के। हैड बिगन, शुरू हो गई थी, राजा कृष्णदेव के दरबार में दिन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। हैड बिगन, शुरू हो गई थी। जस्ट देन, बिल्कुल तभी या फिर तभी। टू मेन, दो आदमी। केम, आए। टू द कोर्ट, दरबार में। तभी दो आदमी दरबार में आए। केम का मतलब है आए। केम कम का सेकेंड फॉर्म होता है, कम का मतलब होता है आना, केम है तो आए। दे वर कैरिंग, वो लिए हुए थे। अ गोल्डन स्वैन, एक सोने का हंस। स्टडेड विथ, जड़ा हुआ। कॉस्टली डायमंड्स, कीमती हीरे, कीमती हीरे जड़े हुए। एक सोने के हंस को लेकर वो दरबार में आए। कैरी का मतलब होता है लाना या फिर साथ ले जाना। कॉस्टली, कीमती, डायमंड्स हीरे, स्टडेड जड़े हुए, जड़े हुए। दे वेंट, वो गए। टू द किंग, राजा के पास। एंड सेड, और कहा। वो राजा के पास गए और कहा। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब है तो गए। महाराज, महाराज प्लीज डू जस्टिस, कृपया न्याय कीजिए। विथ अस, हमारे साथ। कृपया हमारे साथ न्याय कीजिए, प्लीज का मतलब है यहां पर कृपया। डू करिए, जस्टिस न्याय या फिर जिसे हम इंसाफ कहते हैं। विद अस, हमारे साथ। जस्टिस मतलब न्याय, आश्चर्य से कहते हैं राजा। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है। टेल मी, मुझे बताओ। एवरीथिंग, सब कुछ। क्लियरली, साफ साफ। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। क्लियरली का मतलब है साफ साफ, साफ साफ। एवरीथिंग, सब कुछ। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ। आर देयर एनी डिफरेंसेस, क्या कोई विवाद है। बिटवीन यू टू, तुम दोनों के बीच। डिफरेंसेस का मतलब है यहां पर विवाद। बिटवीन यू, तुम्हारे बीच, तुम्हारे बीच, यू दोनों। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा। महाराज देयर इज नो सच थिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। सच थिंग का मतलब है ऐसी बात, ऐसी बात। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। इट सो हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ। दैट की, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी,
मेरे दोस्त ने मेरी मदद की. When I was in need, जब मुझे ज़रूरत थी. When का मतलब है जब. I was in need, मुझे ज़रूरत थी. He gave me, उसने मुझे दिया. Some portion, कुछ हिस्सा. Of his land, अपनी ज़मीन का. उसने मुझे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दिया. Portion का मतलब है हिस्सा. सम कुछ. गिव दिया. मी मुझे. वन डे एक दिन. व्हेन जब. आई वॉज प्लाउइंग मैं जुताई कर रहा था. दैट लैंड उस जमीन की. आई गॉट मुझे मिला दिस गोल्डन स्वैन ये सोने का हंस. तभी मुझे ये सोने का हंस मिला. व्हेन आई वेंट जब मैं गया. टू माई फ्रेंड अपने दोस्त के पास. टू गिव दिस स्वैन इस हंस को देने के लिए. ही रिफ्यूज्ड उसने इनकार कर दिया. टू एक्सेप्ट इट इसे स्वीकार करने से. जब मैं इसे अपने दोस्त को देने के लिए गया तो उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना. इनकार करना रिफ्यूज्ड है तो इनकार कर दिया. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. स्वीकार करना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सेड वन ऑफ द फ्रेंड्स दोनों में से एक दोस्त ने कहा. महाराज व्हेन आई हैव ऑलरेडी गिवेन जब मैंने पहले ही दे दिया है. दैट पीस ऑफ लैंड वो ज़मीन का टुकड़ा. टू माई फ्रेंड अपने दोस्त को जब मैंने पहले ही अपने दोस्त को वो ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा दे दिया है. देन फिर दिस स्वैंस ये हंस. इज ऑल्सो हिज उसी का है. तब ये हंस भी उसी का है. ऑल्सो का मतलब है भी. ऑलरेडी का मतलब है पहले ही. पहले ही हैव गिवेन दे दिया है. दैट पीस ऑफ लैंड ज़मीन का वो हिस्सा. हाउ कैन आई टेक इट मैं इसे कैसे ले सकता हूँ. हाउ का मतलब है कैसे. कैन टेक ले सकता हूँ. आई मैं. सेड द सेकेंड फ्रेंड दूसरे दोस्त ने कहा. द किंग गॉट इम्प्रेस्ड राजा प्रभावित हुए. ऑन हियरिंग सुन करके. द स्टेटमेंट्स ऑफ द टू फ्रेंड्स दोनों दोस्तों के वक्तव्य को. स्टेटमेंट्स का मतलब होता है वक्तव्य. इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए. प्रभावित हुए. ऑन हियरिंग सुनकर. ही हैड नेवर फेस्ड उन्होंने कभी भी सामना नहीं किया था. सच अ डिफिकल्ट केस इस तरह की कठिन मामले का. हैड नेवर फेस्ड का मतलब है कभी नहीं सामना किया था. फेस का मतलब है सामना करना. सामना करना. सच अ डिफिकल्ट केस इस तरह के कठिन मामले का. ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा. नाउ अब. यू पीपल तुम लोग. टेल मी मुझे बताओ. अब तुम लोग मुझे बताओ. व्हाट टू डू क्या करना चाहिए. विथ दिस स्वैन इस हंस के साथ या फिर इस हंस का क्या करना चाहिए मुझे बताओ. व्हाट जजमेंट किस तरह का फैसला. शुड आई गिव मुझे देना चाहिए. इन दिस केस इस मामले में. इस मामले में मुझे किस तरह का फैसला देना चाहिए. जजमेंट का मतलब है यहां पर फैसला. आई थिंक दैट मुझे लगता है कि. द स्वैन ये हंस. शुड बी डिवाइडेड बांट देना चाहिए.
इंटू टू पीसेज दो टुकड़ों में एंड और वन पीस एक टुकड़ा ईच शुड बी गिवेन उसमें से एक एक टुकड़ा दिया जाना चाहिए टू द टू फ्रेंड्स दोनों दोस्तों को मेरे ख्याल से इस हंस के दो टुकड़े होने चाहिए और एक एक टुकड़ा दोनों दोस्तों को दिया जाना चाहिए सेड द मिनिस्टर मंत्री ने कहा बट लेकिन द टू फ्रेंड्स वो दोनों दोस्त डिडंट एग्री सहमत नहीं हुए टू दिस डिसीजन इस फैसले पर लेकिन दोनों दोस्त इस फैसले पर सहमत नहीं हुए एग्री का मतलब होता है सहमत होना डिड नॉट एग्री है यानी डिडंट एग्री है तो सहमत नहीं हुए वन कोर्टियर सजेस्टेड एक दरबारी ने सलाह दी या फिर सुझाव दिया सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना सजेस्टेड है तो सुझाव दिया दैट की द स्वैन शुड बी ऑक्शन्ड हंस की बोली लगा देनी चाहिए एंड द मनी और वो पैसा विच विल बी अर्न्ड जो कमाया जाएगा या फिर मिलेगा बाय इट इसके द्वारा शुड बी डिवाइडेड बांट दिया जाएगा बिटवीन द टू फ्रेंड्स दोनों दोस्तों के बीच में एक दरबारी ने सुझाव दिया कि इस हंस को नीलाम कर दिया जाए ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना या फिर नीलाम करना एट दिस एडवाइस इस सलाह पर बोथ द फ्रेंड्स दोनों दोस्तों ने सिड कहा इस सलाह पर दोनों दोस्तों ने कहा नो महाराज नहीं महाराज वी डोंट वॉन्ट सच मनी हम इस तरह का पैसा नहीं चाहते हैं राजगुरु सजेस्टेड दैट राजगुरु ने सुझाव दिया कि द मनी अर्न कमाया हुआ पैसा बाई सेलिंग द स्वैन इस हंस को बेचकर शुड बी यूटिलाइज्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए इन रिलीजियस वर्क्स धार्मिक कार्यों में राजगुरु ने सलाह दी कि इस हंस को बेचकर कमाया गया पैसा धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए यूटिलाइज का मतलब है उपयोग करना शुड बी यूटिलाइज्ड है तो उपयोग किया जाना चाहिए रिलीजियस धार्मिक वर्क्स कामों में द रॉयल ट्रेजर शाही खजांची ने सजेस्टेड सुझाव दिया दैट की द स्वैन ये हंस शुड बी डिपॉजिटेड जमा कर दिया जाना चाहिए इन द रॉयल ट्रेजर शाही खजाने में ट्रेजर का मतलब होता है खजाना रॉयल शाही दस इस तरह दस का मतलब है इस तरह एवरी कोटियर सभी दरबारियों ने सजेस्टेड सुझाव दिया समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ इस तरह सभी दरबारियों ने कुछ ना कुछ सुझाव दिया बट लेकिन द किंग राजा एज वेल एज द फ्रेंड्स और साथ ही दोस्त भी राजा के साथ साथ दोस्त भी डिडंट लाइक एनी ऑफ द आइडियाज कोई भी विचार पसंद नहीं आया जो भी आइडियाज थे वो न राजा को पसंद आए और न ही उन दोस्तों को पसंद आए आइडियाज का मतलब होता है विचार या फिर कोई तरीका जस्ट देन तभी तेनाली रमन हु वॉज सिटिंग क्वाइटली जो चुपचाप बैठे हुए थे ऑल दिस टाइम पूरे समय में स्टूड अप खड़े हुए एंड सेड और कहा क्वाइटली का मतलब है चुपचाप वॉज सिटिंग बैठे हुए थे
स्टूड अप खड़े हुए, खड़े हुए एंड सेड और कहा, महाराज आई हैव अ सजेशन, मेरा एक सुझाव है, आई थिंक दैट मुझे लगता है कि वी शुड सेल दिस स्वैन, हमें इस हंस को बेच देना चाहिए, एंड द मनी और वो पैसा वी गेट जो हमें मिलेगा फ्रॉम इट इससे शुड बी यूटिलाइज्ड उपयोग किया जाना चाहिए ऑन मेकिंग बनाने में अ ब्यूटीफुल गार्डन एक सुंदर सा बागीचा इन द नेम ऑफ दीज टू फ्रेंड्स इन दोनों दोस्तों के नाम पर। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, गार्डन बागीचा इन द नेम ऑफ के नाम पर। देयर शुड बी अ ब्यूटीफुल फाउंटेन एक सुंदर सा फव्वारा होगा इन द सेंटर बीच में ऑफ द गार्डन बागीचे के बीच में एक सुंदर सा फव्वारा होगा। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। एट द सेंटर बीच में ऑफ द गार्डन बागीचे के। ट्रेवलर्स यात्री फ्रॉम फार एंड वाइड दूर दूर से। फार एंड वाइड का मतलब है दूर दूर से, दूर दूर से, दूर दूर से यात्री कुड टेक ले सकेंगे अ रेस्ट आराम इन दैट गार्डन उस बागीचे में। दूर दूर से आए यात्री उस बागीचे में आराम कर सकेंगे। एंड रिमेम्बर और याद करेंगे दीज टू आइडियल फ्रेंड्स इन दोनों आदर्श दोस्तों को। आइडियल का मतलब है आदर्श, जो किसी प्रकार का उदाहरण स्थापित करता हो उसे आइडियल कहते हैं। रिमेम्बर का मतलब है याद रखना या फिर करना। द किंग लाइक्ड राजा को पसंद आया दिस आइडिया ये विचार, राजा को ये विचार पसंद आया वेरी मच बहुत ज़्यादा, राजा को ये विचार बहुत पसंद आया। द टू फ्रेंड्स ऑल्सो उन दोनों दोस्तों ने भी लाइक्ड पसंद किया द आइडिया इस विचार को, उन दोनों दोस्तों को भी ये विचार पसंद आया। द किंग थैंक्ड तेनाली रमन राजा ने तेनाली रमन का शुक्रिया अदा किया यानी धन्यवाद कहा फॉर सच अ वंडरफुल एडवाइस इस तरह की शानदार सलाह के लिए। सच का मतलब है इस तरह की वंडरफुल शानदार एडवाइस सलाह। राजा ने तेनाली रमन का इस शानदार सलाह के लिए शुक्रिया अदा किया धन्यवाद दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, कौन सा वर्ड आपको नया लगा जो आपको पहले नहीं आता था उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।